अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी रूबी मिर्ज़ा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है फिट फाट होंगे, अच्छे होंगे और दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अच्छा, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक सब्ज़ी, यानी कि अचारी मिक्स सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करेंगे आज हम। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये देखें। ये आलू हैं, मैंने सब चीज़ें तकरीबन बॉयल कर ली हैं ताकि हमारी सब्ज़ी जल्दी से तैयार हो जाए। ये आलू हैं, मैंने इसे काट कर थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया था। हाफ के जी आलू हैं, 1 से 1.5 पाव गाजर, इसे भी मैंने बॉईल कर लिया था हल्का सा नमक डालकर। मटर भी 1/2 किलो हैं, ये भी बॉइल्ड हैं। 1 गोभी का फूल ले लेंगे, बड़ा सा बंद गोभी का। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज, 1 गट्ठी लहसुन, हरा लहसुन। सब्ज मिर्चें हैं 4 से 5 अदद। टमाटर हम लेंगे 3 से 4 अदद। ये मेथी है, मैंने इसे नमक लगाकर धो लिया था, बारीक बारीक काटा था, फिर नमक लगाकर 1/2 घंटा रख दिया था, उसके बाद मैंने इसे धो लिया था अच्छी तरह। अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच नमक हस्बे जायका, नमक और मिर्च, मैंने यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच लिया है मिर्च। ये है गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, क्योंकि हम अचारी सब्जी बना रहे हैं इसलिए मैंने ये अचार मसाला 2 खाने के चम्मच लिया है। अगर आपको मेरा अचारी मसाला चाहिए घर का बना हुआ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपको अचारी मसाला बनाना सिखाऊं। और ये है काली मिर्च, ये भी 1/2 चाय का चम्मच। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें अब 1 कप ऑयल डालेंगे, 1/2 कप ऑयल हो तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें, ये देखिए हमारा ऑयल गरम होना शुरू हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये लाइट ब्राउन हो जाए फिर इसमें दूसरी चीजें डालेंगे। ये देखें लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। बड़े हों तो 3 डाल दें, छोटे हों तो फिर आप 4 डाल दें। साथ ही हम जो हमने हरा लहसुन काटा था वो डाल देंगे। ताकि हमारा मसाला बन जाए। खुश्क मसाले जो होते हैं वो हमेशा मैं एंड में डालती हूँ ताकि वो जले नहीं। ये सिर्फ नमक डाल रही हूँ ताकि ये टमाटर अच्छी तरह गल जाएं, बाकी मसाले मैं बाद में डालूंगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, देखने में भी ये सब्जी बहुत मज़े की लगती है, खाने में तो क्या ही बात है। जो लोग सब्जियां नहीं खाते आप एक दफ़ा बना कर देखें, वो ये सब्जी ज़रूर खाएंगे। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं हम इसे भूनते हुए हल्की आंच पर। थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने इसमें, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है हल्दी तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। ये लाल मिर्च चली गई हमारी और ये अचारी मसाला। इसे मिक्स करेंगे, अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें, हमारा मसाला तकरीबन भुन गया है, खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। अब हम इसमें ये मिक्स कर देंगे, अब हम इसमें ये
डालेंगे बंद गोभी। सब चीजें गली हुई थी, सिर्फ बंद गोभी जरा कच्ची थी। अब ये मिक्स करेंगे। अब इसमें ये थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ी देर, इसे 2-3 मिनट ढककर रख देंगे ताकि ये गल जाए। ये देखिए पानी लगा दिया मैंने इसे। हर सब्जी तो गली हुई थी, ये थोड़ी सी कच्ची थी ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ये ढककर रख देंगे। हमारा पानी अब खुश्क हो गया है, इसमें अब हम आलू डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। नमक भी डाला था इसमें। मटर डाल देंगे, सारी सब्जियां तकरीबन डाल देंगे इसमें। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी एक पाउड दही डाल रही हूँ, इससे ये होगा कि ग्रेवी भी बन जाएगी और सब्ज़ी चटपटी सी बनेगी। क्योंकि हम अचारी सब्ज़ी बना रहे हैं तो खट्टी चटपटी सी मिसालेदार सब्ज़ी बना रहे हैं। सब्ज़ी तो वैसे भी फीकी कोई नहीं खाता। अब हम इसमें दही डालेंगे। इसे मिक्स करें। हर चीज़ गली हुई है, आग आग को तेज रखेंगे ताकि ये इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। दही को मिक्स करने के बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छा, सूखा धनिया भी बताना भूल गई थी मैं। इसमें सूखा धनिया इस टाइम डाल देंगे, ये 1 और ये 1/2 चम्मच, यानी कि 1 से 1.5 चम्मच। आग को तेज रखेंगे, हर चीज़ हमारी गली हुई है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इतनी देरी से वो करें कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल हमारा ऊपर आ जाए। देखिए दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें मेथी डालेंगे जो हमने धोकर रखी थी, और ये गरम मसाला पिसा हुआ और काली मिर्च। इसे अच्छी तरह भूनेंगे। मसाले की खुशबू आ रही है। सब्जी आप जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्ज़ी इसमें से पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं उसे। देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, बहुत मज़े की सब्ज़ी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।